After a second step, we come to the third step is secondary sale. We go to the dashboard, then we go to the secondary sale. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म में आपको जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर की सेकेंडरी सेल देखनी है, आप उस डिस्ट्रीब्यूटर का फिल्टर यूज करके, सपोज मुझे सेकेंडरी सेल देखनी है बालाजी पावर सॉल्यूशन, और यहाँ पे मैं अप्लाई फिल्टर कर दूंगी। देन इसकी सेकेंडरी सेल हमारे पास आ जाएगी कि बेसिकली बालाजी वालों की सेकेंडरी सेल जो है वो क्या हुई है। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि सेकेंडरी सेल जो हुई है वो किस पार्टी के साथ हुई है, उस पार्टी ने प्रोडक्ट क्या लिया है, उसका अमाउंट क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है। तो बेसिकली ये चीज़ भी आपको यहाँ से पता चलती जाएगी, और आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वेरीफाई भी करवा सकते हो कि क्या उनको ये ऑर्डर्स मिले हैं। इट विल हेल्प यू टू फाइंड द ऑर्डर्स, और वेरीफाई करने के लिए भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर जैसे सपोज मुझे देखना है कि मोहित इन्वर्टर बैटरी वालों ने बालाजी वालों को क्या ऑर्डर दिया है, क्या उसका अमाउंट रहा है, तो यहाँ पे आप मोहित वाला जहाँ पे ये आ रहा है इस पे आप क्लिक करोगे तो बेसिकली आपको मोहित इन्वर्टर बैटरीज का ये डाटा दिख जाएगा कि उसने बेसिकली जो ऑर्डर दिया है वो इतने का उनको ऑर्डर दिया है, और ये प्रोडक्ट है, ये अमाउंट है। तो ये बेसिकली आपको उसका डाटा यहाँ से मिल जाएगा। अब जैसे सपोज मेरे को सितंबर मंथ का देखना है कि सितंबर मंथ में बालाजी वालों को सेकेंडरी सेल जो है वो क्या मिली है, तो यहाँ पे ये बेसिकली सितंबर मंथ की सेल शो कर रहा है कि सितंबर मंथ में बालाजी वालों को कितना जो है बेसिकली सेकेंडरी सेल दिया गया है, किस पार्टी का दिया गया है, क्या अमाउंट था और क्या उसकी क्वांटिटी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से सेकेंडरी सेल में प्रोवाइड मतलब इस डैशबोर्ड के थ्रू आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वन थिंग इज़ दैट कि अगर आप यहाँ पे किसी भी चीज़ पे टच करोगे, जो भी थिंग्स हैं, तो ये आपको उस चीज़ के बेसिकली रेफरेंस पे ले जाएगा। जैसे सपोज अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपको साई एंटरप्राइजेस का मिल जाएगा। अगर आपको ये जो फिल्टर है वो हटाना है तो यहाँ पे आपको ये डिलीट करना पड़ेगा। अब जैसे मुझे ये वाला चाहिए तो यहाँ पे ये आपको बेसिकली मिल जाएगा कि इस श्री राम सोलर वालों ने क्या ऑर्डर्स दिए हैं, क्या प्रोडक्ट्स थे, क्या अमाउंट था। यहाँ से आप डिलीट करके ये आप दूसरा फिल्टर अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मधु सोलर की डिटेल्स मिल जाएगी जब आप मधु सोलर वालों पे फिल्टर लगाओगे, और यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो। अब सपोज़ आपको सितंबर मंथ का डाटा नहीं चाहिए तो यहाँ से आप ये डिलीट करके आप कोई दूसरे मंथ का डाटा यहाँ से पिकअप कर सकते हो, जो भी जिस मंथ का डाटा आपको चाहिए। जैसे सपोज अभी यहाँ पे सिर्फ सितंबर मंथ का ही डाटा अपडेटेड है, अभी अक्टूबर मंथ का डाटा अगर यहाँ पे कोई सेल हुई है तो वो अपडेट नहीं हुआ है। अगर अब तो जब यहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद आप अक्टूबर मंथ का भी यहाँ से 2021 का डाटा निकाल के डिस्ट्रीब्यूटर को शो कर सकते हो कि सर बेसिकली आपके यहाँ पे इतनी सेकेंडरी सेल हुई है। एंड लाइक बेसिकली जो 3 स्टेप्स हैं हमारे वो इसी में कवर हो जाएंगे। फर्स्ट आपका जो स्टेप रहेगा जिसके थ्रू आपको बात करनी है वो है यूटीएल सेल्स प्रोजेक्शंस, जिसमें आपको प्रोजेक्शन या फिर हम कह सकते हैं एक्शन आपको लेना है। अगर जो ऑर्डर है वो डिस्पैच नहीं हो रहे हैं तो आपको डिस्पैच करवाने हैं, ऑर्डर एक्नॉलेज में पड़े हैं तो आपको डिस्पैच करवाने हैं, ऑर्डर नहीं आया है तो आपको उनसे बात करनी है। जैसे सपोज में एक एग्जांपल, जैसे मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में समझाया कि सर आपकी इतने तारीख को ऑर्डर आना चाहिए था, अभी आपका इतना ऑर्डर नहीं आया है, हम ऑलरेडी 6 डे डिलेज चल रहे हैं आपके प्लान के अकॉर्डिंग। अगर वो कुछ कन्फ्यूजन में रहता है तो आप उसको प्रोडक्ट का बता सकते हैं इसके थ्रू कि सर ये प्रोडक्ट आप मोस्ट ऑफ दी लेते हो एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आप उसको बता सकते हो।
प्लीज़ बी रिमेम्बर्ड, अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करते हो तो ये आपको बेसिकली उस चीज़ का फिल्टर लगा देता है। अगर मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पावर पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे अब ये पूरा जो डाटा है वो वसर पावर वालों का दिखाएगा कि बेसिकली उन्होंने क्या सेल करी है, कब कब उनकी शिपिंग डेट्स हुई हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ये शो कर देगा। उनके कितने ऑर्डर डिस्पैच में हैं, कितने कैंसिल हैं, कितने एक्नॉलेज और पुश सेल हैं, कितने पार्शल डिस्पैच हैं, कितने एक्नॉलेज हैं, कितने सेल्ड हैं, कितने बिल्ड है, ये सारे डाटा आपको ये दिखा देगा। सारे सेल ऑर्डर्स आपको यहाँ दिखा देगा, वो बेसिकली क्या क्या प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ दी लेता है वो आपको दिखा देगा। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। एंड एस सेम जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि अगर आपको उस पार्टी का पर्टिकुलरली जो ऑर्डर एक्नॉलेज हो रखा है वो देखना है कि उस एक्नॉलेज ऑर्डर में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। अगर आप यहाँ पे सेल आईडी में जब आप फिल्टर लगाओगे तो यहाँ से आपको सेल आईडी फिल्टर लगा के आपको पता चल जाएगा कि उस पार्टी ने क्या क्या प्रोडक्ट ले रखा है। सेल आईडी में जब आप फिल्टर लगा दोगे देन उसके बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आता है ऑर्डर प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वो पार्टी ने क्या क्या प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ से जब आप फिल्टर उस पर लगा दोगे। एंड डिटेल्स आपको मिल जाएगी एंड आपको एक ग्राफ टाइप मिल जाएगा कि बेसिकली क्या आपका ग्राफ चल रहा है, कहाँ से ऑर्डर है। जैसे लाइक जैसे यहाँ पे ब्रांचेस मेरी शो हो रही है कि हम लोग परमाणु से ज़्यादा डिस्पैचेस ले रहे हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से इतना डिस्पैच हुआ है, दिल्ली से इतना डिस्पैच हुआ है, नोएडा से इतना डिस्पैच हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और इट विल हेल्प यू टू फाइंड द ऑर्डर्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर नहीं दे रहे हैं उनको आप दिखा सकते हो कि सर बेसिकली आप इतना पहले सेल करते थे, अब इतनी कम हो गई है, क्या वजह है, ये सारी चीज़ें आपको पूछने में ये एक आपके लिए हेल्पिंग हैंड रहेगा। ताकि डिटेल्स मीन्स बेसिकली अगर आपको उनकी पुरानी डिटेल्स मिल जाती है तो ये हेल्प करता है कि आपको न्यू ऑर्डर किस तरीके से निकलवाने हैं। तो इट विल हेल्प यू एंड इट विल गाइड यू ऑल्सो कि डिटेल्स मतलब कैसे उनको करके अब बतानी है। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक पार्टी का, जैसे सपोज मैं शिव शंकर का अगर यहाँ पे फिल्टर लगाती हूँ तो ये पूरी डिटेल्स जो है वो मुझे शिव शंकर की शो करेगा। जैसे सपोज अगर मैं शिव शंकर का नवंबर में का मैं फिल्टर लगा दूँ तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि दो नवंबर को शिव शंकर का 28 लाख का एक ऑर्डर डिस्पैच हुआ है और उस ऑर्डर में क्या क्या प्रोडक्ट्स थे, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये प्रोडक्ट्स उसने शिव शंकर वालों ने लिए थे। अब जैसे सपोज मुझे शिव शंकर वालों से अगर न्यू ऑर्डर लेना है तो मैं उसे बात कर सकती हूँ कि सर आपके लास्ट टाइम ये ऑर्डर डिस्पैच हुआ था, इतनी सेल हुई थी, आप सर दूसरा ऑर्डर भी लिखवा दीजिए, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी दूसरा ऑर्डर निकलवाने में। अब सपोज़ अगर आपको नवंबर मंथ का नहीं देखना है तो यहाँ से आप ये फिल्टर डिलीट करके अक्टूबर मंथ का फिल्टर लगा सकते हो, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अक्टूबर मंथ में उसकी किस किस डे को शिपिंग हुई थी, क्या क्या बेसिक। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ 1 अक्टूबर पे, तो 1 अक्टूबर का यहाँ पे आपको सेल आईडी मिल जाएगी कि सेल ऑर्डर क्या था, और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स उस पार्टी ने लिए थे। अगर मैं यहाँ से शिपिंग डेट यहाँ से डिलीट करके अगर मैं 12 अक्टूबर की शिपिंग डेट पे लगाती हूँ तो यहाँ पे आपको फिर वही डिटेल्स मिल जाएगी कि उस पार्टी ने क्या क्या प्रोडक्ट्स लिए थे, क्या क्या डिटेल, क्या क्या क्वांटिटी थी एंड ऑल, ये सारी डिटेल फिर आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो जब भी आप कुछ न्यू सेलेक्ट करो तो पुराने वाले फिल्टर्स को आप हटाते चलो, ताकि अगर आप जब न्यू फिल्टर लगाओगे तो वो कंसिस्टेंटली अच्छे से काम करे। तो इट इज़ ऑल्सो मस्ट कि आपको फिल्टर्स हटाते चलने हैं, जो भी फिल्टर आप अप्लाई कर रहे हो अगर जब आप कुछ न्यू चीज़ देख रहे हो तो लास्ट वाले फिल्टर्स आप हटा दो। तो ये बेसिकली आपके यही 3 ऑप्शन हैं जिस पे आपको वर्क करना है। फर्स्ट इट यूटीएल सेल्स प्रोजेक्शन, सेकंड इट सेल्स एनालाइजेंस डिस्पैच, एंड सेकंड इज सेकेंडरी सेल, थर्ड इज सेकेंडरी सेल। इन्हीं 3 ऑप्शंस पे आपको काम करना है और ऑर्डर्स के रिलेटिव इन तीनों से बात।